बच्चों, आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं उस लेसन का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी के अज्जाए खुराक। इन जनरल वी से दैट कंपोनेंट ऑफ फूड वेयर एज द कंपोनेंट्स आर एक्चुअली न्यूट्रॉन्स इन अवर फूड। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एक्स्ट्रा। ये हमको मैं आपको ऐसे समझाऊं कि हम ऐसे कहें कि कंपोनेंट्स एज़ाए जो खुराक में होते हैं, एक्चुअली उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब है गजायात। गजायात वो चीज होती है, जो चीजें फूड में पाई जाती हैं उनको हम गजायात कहते हैं। इस तरह से हम ये कहें कि नाउ हियर वी नो दैट द मेन सोर्स ऑफ फूड। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो खुराक है ये कहां से आती है। समझ आ रही है बेटा? हाँ, तो ये खुराक जो है ये हमें प्लांट से और एनिमल से मिलती है। तो अगर हम लिखने के लिए अगर हम लिखने जब लिखते हैं हम, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं अपने नोट्सबुक पर, द मेन सोर्स ऑफ द फूड इज प्लांट एंड एनिमल्स। इन अवर डेली लाइफ फूड इज यूज्ड टू सर्वाइव। हमें हम जो खुराक खाते हैं ये जिंदा रखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। जो हम खुराक खाते हैं उसमें राइस है, वीट है, पल्सेस है, वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्स्ट्रा। तो राइस को हम चावल कहते हैं, वीट को गंदम कहते हैं, पल्सेस दालें हो गई, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट वो आप तो अच्छे तरीके से जानते हो। टू मेंटेन अवर हेल्थ वी हैव टू ईट बैलेंस्ड डाइट। हियर द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द बैलेंस्ड डाइट? समझ आ रहा है कि हम ये कहें कि हमें अपनी सेहत ठीक रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमें बैलेंस्ड डाइट खानी चाहिए। अब क्वेश्चन ये यहां पैदा होता है कि बैलेंस डाइट है क्या? बैलेंस डाइट द फूड विच हैव ऑल द न्यूट्रॉन्स इन राइट क्वांटिटी अलॉन्ग विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड रवेजेस इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। अब इसके बाद हम ये कहें कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रॉन्स डू फॉर अवर बॉडी। अब ये जो गजायात हैं ये हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, ये हमें कैसे हेल्प देते हैं। तो उसके लिए ये जो न्यूट्रॉन्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड एक्स्ट्रा, तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या काम करते हैं ये मैं आपको एक एक करके यहां समझाता हूं। समझ आ रही है? हाँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। नंबर टू, फैट्स। फैट्स आल्सो गिव्स एनर्जी टू अवर बॉडी। प्रोटीन्स
are needed for the growth and repair to our body. Number 4, vitamin. Vitamin help in protecting our body against various diseases. तो जब विटामिन की बात आती है तो विटामिन की बहुत सारी किस्में हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड बी कॉम्प्लेक्स। ऑल इफ देयर इज लैक ऑफ एनी टाइप ऑफ सच विटामिन, अवर बॉडी गेट्स डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस। जैसे कि मैं ऐसे आपको समझाऊं, ये जो विटामिन मैंने आपको बताई थी 7 किस्में विटामिन की, ये इन विटामिन की हमारी बॉडी में अगर किसी किस्म की कमी आ जाती है तो हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। जैसे कि मैं आपको एक एक करके बताता हूं, अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसके लिए हमें क्या होता है, हमारी जो आंखें हैं, हम जो देखते हैं, हमारी नजर जो है उसमें कमी पड़ जाती है। जैसे कि यह ऐसे बताऊं मैं, लैक ऑफ विटामिन ए, देयर इज लॉस ऑफ लेस आर मोर विजन। ऐसे ही विटामिन बी, अवर लैक ऑफ विटामिन से क्या बी से क्या होता है, अवर मसल्स गोज वीक, अवर बॉडी अटैक ए डिजीज कॉल्ड बेरीबेरी। विटामिन सी, देयर इज ब्लीडिंग ऑफ गम्स, अवर गम्स अटैक ए डिजीज कॉल्ड स्कर्वी। तो इसके बाद हमें है विटामिन डी। अब बाई द लैक ऑफ विटामिन डी अवर बोन गोज सॉफ्ट एंड दे बिकम बिड अटैक्ड बाय ए डिजीज कॉल्ड रिकेट। रिकेट एक ऐसी डिजीज है जिससे हमारी जो हड्डियां हैं, एक तो वो सॉफ्ट बिल्कुल नरम हो जाती हैं, लेकिन नरम होने के साथ साथ वो क्या हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं। जब बेंड हो जाती हैं तो हमें उठने बैठने चलने दौड़ने फिरने में क्या होता है, मुश्किल आ जाती है। ठीक है, हाँ। तो उसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई से क्या होता है कि डिसऑर्डर इन द वूमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, विटामिन लैक ऑफ कैल्शियम, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी आ जाती है, देयर इज टूथ डिके, हमारे जो दांत हैं उनमें डिके हो जाता है, डिके आ जाती है, एंड वीकनेस ऑफ बोन्स, और हमारी जो हड्डियां हैं, हमारी जो हड्डियां हैं वो क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती है। तो इसी तरह एक और चीज होती है हमारी बॉडी में जिसको हम कहते हैं आयोडीन। तो जब आयोडीन की कमी हो जाती है, उस कमी से क्या होता है कि हमारी जो ये नेक है, हमारी जो गर्दन है, इसमें छोटी छोटी क्या होती हैं, ग्रेन्स होती हैं, लेकिन यहां जो ये नीचे जगह है, यहां एक ग्रेन्स होती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, या यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, तो उसमें क्या हो जाता है कि स्वेलिंग आ जाती है। जब स्वेलिंग होके वो ग्रेन्स जो होती है बड़ी हो जाती है, उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, गाइटर, क्या कहते हैं, डिजीज एक होती है उसको हम गोइटर कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, लैक ऑफ आयरन। अब हमारी जो बॉडी है इसमें लोहा भी होता है, आयरन किसको कहते हैं, लोहा को, हैं? तो लोहा, तो जैसे मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि लैक ऑफ आयरन, अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो
उसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल उसमें वीकनेस आ जाती है, हमारी जो बॉडी है हमारी कमजोर हो जाती है, तो उससे हमें एक डिजीज एक अटैक करती है, जिस डिजीज को हम क्या कहते हैं, अनीमिया। क्या कहते हैं? अनीमिया।